गाइस आज मैं आ गई हूँ आप लोगों को दिखाने वर्ल्ड की लार्जेस्ट नूडल शॉप। आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे वैरायटीज हैं, इतने सारे फ्लेवर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नूडल्स। और यहाँ पे है सेक्शन नूडल्स का, तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और अपने करते हैं पिक नूडल्स। यहाँ पे बीइंग एन इंडियन ना थोड़ा आपको पिकी होना पड़ेगा, और मेरे लिए वेजिटेरियन के लिए तो बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी है। किमची आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे आपको रमेन मिल जाएंगे, जापनीज नूडल्स, कोरियन नूडल्स, चाइनीज नूडल्स, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस आउटलेट। ये देखिए, बट ये सारा ना आई थिंक मुझे लग रहा है नॉन वेज है, दिस इज पोर्क। तो मैं अपना वेजिटेरियन सेक्शन ढूंढती हूँ, जल्दी आ जाओ। लुक एट दिस, सो मेनी ब्रांड्स। और कितना डरावना सा नहीं लग रहा ऋषि? देखियो, it is going to be very spicy, my god, look at this। मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये पक्का पता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है। फाइनली दिस इज़ द सेक्शन मेरे लिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेजिटेरियन हलाल सेक्शन भी है यहाँ पे, तो मतलब सेग्रीगेट कर रखे, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो जल्दी से मैं करती हूँ चूज़। दिस इज़ ऑर्गेनिक गार्लिक एंड पेपर, ओ नाइस, ये ले ले। बिल्कुल लो। और कुछ लेना है? मशरूम वाला लोना है। मशरूम वाला, गॉट इट। ये देखिए, सो दीज आर द वेजिटेरियन। यार ये वाला मेरा खाने का मन कर रहा है, बट दिस इज हलाल, नॉन वेज है, लेकिन ये काफ़ी स्पाइसी। ओ माय गॉड, अगर ये वेज में होता ना तो मैं पक्का इसे चूज़ करती। यार बीइंग अ वेजी ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिंपल फूड खाते हैं, हम लोग बहुत स्पाइसी भी खाते हैं। तो अब सेकेंड स्टेप जो होने वाला है वो होने वाला है टॉपिंग सिलेक्शन का। तो सबसे पहले तो आपको अपने ग्लव्स कैरी करने हैं। आई एम इन बैंकॉक और यहाँ पे ना हाइजीन और क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैं ले लेती हूँ अपनी वेजी थोड़ी सी, ठीक है। स्वीट कॉर्न ले लेते हैं। ऋषु, डू यू वांट दिस? चलेगा, हाँ चलेगा। बाकी एग्स भी डालते हैं नूडल्स में, बट मैं अवॉइड करूँगी, ये सारा नॉन वेज एरिया। अगर आप लोग कुछ खाते हो तो आप चूज़ कर सकते हो। और ये है चीज़, तो मैं अपने गार्लिक एंड पेपर में आयल गोरा कुछ सम चीज़। तो ये रे, तो टॉपिंग सेक्शन हो गया स्टेप टू, ठीक है। लेट्स हैव सम ड्रिंक्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ड्रिंक्स मिल जाएंगी, ओपन एंड आप। और ये देखिए, नाउ स्टेप थ्री इज बिलिंग टाइम, और उसके बाद वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहीं पर हम इसे बना के खाने वाले हैं। तो स्टाफ ने मुझे यहाँ पे पूरा कटिंग करके दे दिया है, तो अभी हमें इसके अंदर मसाला पोट करना है, ठीक है। ऐड सम वेजिटेबल्स, जो भी आपको चाहिए। ऐड सम कॉर्न, स्प्रिंग ऑनियन। यार ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, एंड आई रियली लाइक दैट। थोड़ा सा ले लेते हैं, दैट्स इट राइट ऋषभ? चीज़ ऊपर से डालें बाद में डालना, ठीक है। थोड़ा सा भी डाल देते हैं, थोड़ा सा बाद में डाल लेंगे। आई एम रेडी एक्साइटेड। तो ये हमारा हो गया है रेडी, व्हाट यू हैव टू डू इज कम है। तो यहाँ पे आपको बार कोड मिला हुआ है, आपको इसको स्कैन करना है, यहाँ पे इसको रखना है, और यहाँ पे आपको बस स्टार्ट करना है, और ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। यहाँ से पानी पोर हो गया, नीचे लगा हुआ है इसके प्लेट, इंडक्शन प्लेट, तो उससे नीचे से हीट करके अच्छे से प्रिपेयर कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड वाटर ऐड टाइम, अगर आपको चाहिए कि और कुक हो जाए तो आप इसमें ऐड टाइम ऐड कर सकते हैं। 3 मिनट में रेडी हो जाएगा, और पूरा प्रोसेस ऊपर मेंशन हो रखा है स्क्रीन पे। पानी हमारा बॉयल हो गया मस्त तरीके से, थोड़ा सा और इंतज़ार एंड देन आई एम रेडी टू ईट दिस। सो पहला तो हो गया है कुक, बारी है सेकेंड आइटम की। तो इसको ओपन कर लिया है, इसके अंदर कुछ ऑयल निकला है, मसाला है, इज अ पाउच, पता नहीं इसके अंदर क्या है, एक और छोटा मसाला, आई थिंक ये स्पाइसी मसाला है। ये तो खो जाएगा अंदर, है ना, राइट। देख लो कोई और मसाला तो नहीं है। और ये नूडल्स हैं, तो अभी क्या करूँ ऋषि, पूछूँ कैसे करना है, क्या करूँ, मसाला डाल दूँ? मसाला तो डाल ही दो, है ना। ये ऋषभ के मशरूम पीसेस। गाइज वी आर इन बैंकॉक, और कभी आप बैंकॉक आ रहे हो तो यू कैन कम एट दिस प्लेस। सो टाइम फॉर दिस पाउच, एंड इसको कर लिया है ओपन। ओ ये है हमारे मशरूम्स, ओके ठीक है। तो गाइज हम लोग आए हैं आज गुड नूडल्स यूनियन मॉल बेसमेंट फ्लोर, बी फ्लोर है, बेसमेंट में है, कभी आना चाहो तो आ सकते हो। और ये हमने कर दिया इसको, अब वेट करते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हमने ऑयल नहीं डाला,
ये भी डाल देते हैं, क्यों कोई प्रोसीजर मिस करना, राइट? ओके, ये सो आवर नूडल्स आर रेडी। जल्दी से ढूंढते अपनी सीट। ओह माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। इसमें से बहुत अमेजिंग दिखने में शायद ये आपको अच्छा ना लग रहा हो क्योंकि ये थोड़ा प्लेन है, बट जो लोग लाइक हल्के ब्लैक पेपर, गार्लिक और थोड़े माइल्ड फ्लेवर्स के फैन है ना, उनके लिए काफ़ी सही मुझे खुशबू आ रही है। देखिए चीज़, ओह माय गॉड, है ना। एंड आई पुट सम अ लॉट ऑफ वेजी। और ये वाला देखते हैं, ये वाले का मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है क्योंकि इसमें से मुझे कुछ खास खुशबू आ नहीं रही, और मैं ना पैक्ड नूडल्स की बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ। जब भी मैं फ़्लाइट में ट्रैवल करती हूँ, एक बार खाया था, उसके बाद विश्वास उठ गया था। और यार मैगी मैंने देखी थी, मैगी के है ही नहीं हमारे इंडिया में जो मैगी मिलती है, उस मैगी ब्रांड के कोई नॉन वेज यहाँ पे है, वेजिटेरियन वाले हो जाते ना तो मज़ा आ जाता। सो इसमें मशरूम्स हैं, लेटस है, बीन्स हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। मैं ना ये वाला ऋषभ के लिए ही छोड़ूंगी क्योंकि ऋषभ को खाना था, ऋषभ से कराऊंगी रिव्यू। मैं करती हूँ अपना ये वाले नूडल्स ट्राई, कितने अमेजिंग लग रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स ऐड सम, यस, ओ वाओ, चीज, दिस इज नाइस मैन। काफी गर्म है बट द क्वालिटी ऑफ नूडल्स इज अमेजिंग। इसमें हल्का सा हमारा इंडियन देसी तड़का लग जाता है ना, और मज़े आ जाते हैं। सो गाइस, आज हम लोग हैं बैंकॉक में गुड नूडल्स यूनियन मॉल के अंदर। ये है बेसमेंट फ्लोर पे, आपको दिख जाएगा बहुत ही बड़ा सा सेटअप है, बहुत सारी सिटिंग है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी सिटिंग मिलेगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे लोगों का बहुत ही मतलब, लोग आते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मज़े करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और मौज लेते हैं। जल्दी से अपने दोस्त को टैग कर देना जो मतलब क्रेजी दीवाना है नूडल्स का। मैं करती हूँ ये इंजॉय, और आप लोगों से मिलती हूँ बैंकॉक के किसी और अमेजिंग वीडियो में।